नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज के इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाले जीके जीएस के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का पिट्टा सेट लेकर के आए, जो आने वाले उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2023 में आपको हमारे इन्हीं पिट्टा सेटों से आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। साथियों, मैं आपको बता दूँ कि मैं जो आपको कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ वो आपको किसी भी पेड कोर्स में कंटेंट नहीं मिल पा रहा, ये रिव्यू हमारे सभी सब्सक्राइबरों ने दिया है, तो उन्हीं के हिसाब से मैं आपको ये बता रहा हूँ। साथियों, आज के प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस सेट को पूरा करने से आपको पता चल पाता है कि आपकी तैयारी कैसे चल रही और आप कितने पानी में और आपको कितनी अभी और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। प्रैक्टिस सेट सभी अभ्यर्थियों की उनकी औकात दिला देता है कि वो कितनी तैयारी, क्या वो वर्दी पाने की असली हकदार है या नहीं है, बस कि उनकी बातें जो हवा में हो रही हैं। तो साथियों, प्रैक्टिस सेट करिएगा, प्रैक्टिस सेट करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। साथियों, इससे पहले मैं जीके जीएस के 292 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर, जो अभी तक आपने वो नहीं देखे तो सारे प्रैक्टिस सेट आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, एक एक करके आप टाइम निकाल के सभी प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो, अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। साथियों, अगर ये प्रैक्टिस सेट और हमारा दिया जा रहा कंटेंट अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करने में आपका पैसा नहीं जाता है, बस मुझे मोटिवेशन मिलता है जिससे मैं आपके लिए और कंटेंट प्रोवाइड करा सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट नंबर 293। तो पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि अभिनव भारत संस्था के संस्थापक कौन थे। तो कौन थे संस्था के संस्थापक, तो इसके संस्थापक थे विनायक सावरकर, जिसे हम कहते हैं बीडी सावरकर, ये आपको ध्यान रखना है। तो अभिनव भारत संस्था के संस्थापक थे बीडी सावरकर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं अगर कोई क्वेश्चन दो बार रिपीट करता हूँ तो दो बार अलग तरह से बताता हूँ कि कौन क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश राज्यसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं। तो कितने सदस्य चुने जाते हैं राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश से, तो कितने चुने जाते हैं, तो ये चुने जाते 31 सदस्य, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर तीसरा है आपके सामने कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ऑप्टिकल फाइबर ये करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों आपके सामने कि प्रथम कार्बन नेगेटिव देश किसे माना जाता है। तो किसे माना जाता है प्रथम कार्बन नेगेटिव देश, तो ये माना जाता है भूटान को, और भूटान भारत का पड़ोसी देश है, ये भी आपको ध्यान रखना है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फेसबुक के संस्थापक कौन थे, तो कौन थे फेसबुक के संस्थापक, तो ये थे मार्क जुकरबर्ग, फेसबुक के संस्थापक। फेसबुक तो सभी लोग याद कर चलाते होंगे, तो ये उसके संस्थापक को जरूर याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, आप फेसबुक को छोड़ दीजिए, क्योंकि अब आपका वर्दी पाने का सपना आ गया, एक बार आप जॉब ले लीजिएगा उसके बाद आप जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करना चाहते हैं कर लीजिए, लेकिन कुछ दिनों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को त्याग दीजिएगा। तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो कौन से देश का राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी, तो भूटान का राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर सात है आपके सामने साथियों कि पृथ्वी की सतह से किसी भी वस्तु का पलायन वेग कितना है। तो कितना है, तो किसी भी वस्तु का जो पलायन वेग है पृथ्वी की सतह से वो है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गले में थोड़ी खराबी, तो आप हमारी आवाज़ अगर आपको पसंद ना आ रही तो आप मैनेज कर सकते हैं। भारतीय संसद के द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, तो कब पारित हुआ था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, तो ये 1986 में भारतीय संसद के द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेंट पीटर्स स्क्वायर कहाँ स्थित है, तो कहाँ पर है, तो सेंट पीटर्स स्क्वायर ये स्थित है वेटिकन सिटी में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय रेल बोर्ड अधिनियम कब पारित किया गया, तो कब पारित हुआ था भारतीय रेल बोर्ड अधिनियम, तो ये पारित हुआ था 1905 में भारतीय रेल बोर्ड अधिनियम, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 11 है आपके सामने कि सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश कितनी उम्र में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो कितनी उम्र में हो जाते हैं, तो ये हो जाते हैं 65 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है, तो कौन से राज्य में है माजुली द्वीप, तो ये है असम राज्य में। कहाँ पर है? असम में है माजुली द्वीप। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने 13 की हम लोग वायुमंडल की किस परत के माध्यम से रेडियो संचार सुनते हैं, तो कौन सी परत के माध्यम सुनते हैं, तो हम सुनते हैं आयनमंडल परत के माध्यम से रेडियो संचार। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है आपके सामने किसी भी ग्राम पंचायत के भंग हो जाने के बाद कितने दिनों के अंदर चुनाव पुनः होने चाहिए, तो कितने दिनों के अंदर चुनाव पुनः होना चाहिए, तो चुनाव होने चाहिए थे 6 महीने के अंदर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के कितने राज्य समुद्री तट के किनारे हैं, तो कितने राज्य हैं, तो भारत के 9 राज्य हैं ये समुद्री तट के किनारे हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है आपके सामने कि भारत के कितने केंद्र शासित राज्य समुद्र तट के किनारे स्थित हैं, तो कितने केंद्र शासित राज्य हैं, तो भारत के टोटल 4 केंद्र शासित राज्य हैं जो समुद्र। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 2023 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की बुक। ये बुक नवीनता पाठ्यक्रम के अनुसार बनाई गई है, जिसमें आपको सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि परीक्षा एवं तार्किक क्षमता, इस बुक में आपको उत्तर प्रदेश जी के संपूर्ण मिल जाएगा। सबसे बड़ी खास बात इस बुक की है कि इस बुक में आपको 500 वाले पेपर 2018-2019 के मिल जाएंगे। इस बुक में आपको 3000 बहुविकल्प प्रश्न मिल जाएंगे, जो आपकी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए। ये बुक आपको संपूर्ण विस्तृत रूप में मिल जाएगी, जो आपको आपकी पढ़ाई के लिए बहुत लाभदायक होने वाली है। चक्षु पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं, जिसमें आपको 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, जो आपकी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए। तो आज जाइएगा अपने किसी भी माध्यम से, ऑनलाइन अपलाइन मॉडल से किसी माध्यम से आप इस बुक को खरीद सकते हैं। तट के किनारे स्थित हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 17 आपके सामने कि भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस भाषा में लिखी गई थी, तो कौन से भाषा में लिखा गया था ये राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, तो ये लिखा गया था संस्कृत में। किस में? संस्कृत भाषा में लिखा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है आपके सामने कि बिहार राज्य में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो कितनी सीटें हैं, तो बिहार राज्य में लोकसभा की 40 सीटें हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीट हैं, तो कितनी सीट हैं, तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीट है। कितनी? 80 सीट हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है आपके सामने कि लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था, तो क्या था, तो लक्ष्मीबाई का इनका मूल नाम था मणिकर्णिका। क्या? मणिकर्णिका। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने 21 के भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, तो कौन होता है, तो भारतीय संघ की कार्यपालिका है इसका प्रधान होता है राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है आपके सामने कि राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, तो राज्य की कार्यपालिका इसका प्रधान होता है राज्यपाल। कौन? राज्यपाल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है आपके सामने कि कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है, तो कौन होता है, तो कार्यपालिका इसका वास्तविक जो प्रधान होता है वो होता है प्रधानमंत्री। कौन? प्रधानमंत्री इसका वास्तविक प्रधान होता है कार्यपालिका का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 है आपके सामने कि इंटरनेट के संस्थापक कौन हैं, तो बताइएगा इंटरनेट के संस्थापक जो आप बराबर यूज करते हैं
इसके कुछ संस्थापक पता होने चाहिए। तो टिम बर्नर्स-ली ये इंटरनेट के संस्थापक हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 से आपके सामने, गूगल के संस्थापक कौन हैं? तो गूगल के संस्थापक बताइएगा, तो गूगल इसके संस्थापक हैं लैरी पेज व सर्जरी बिन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 से आपके सामने की, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो कब हुई थी राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना? तो ये हुई थी 1952 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 से आपके सामने की, नंदा देवी चोटी भारत के किस राज्य में है? तो कौन से राज्य में है नंदा देवी चोटी, ये आपको बताना है। साथियों वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये है उत्तराखंड राज्य में, किस में उत्तराखंड राज्य में है नंदा देवी चोटी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 है आपके सामने की, अमेजन के संस्थापक कौन हैं? तो कौन है अमेजन के संस्थापक? तो ये हैं अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 है आपके सामने की, तोरहाय किस धर्म के धार्मिक ग्रंथ हैं? तो ये कौन से धर्म के धार्मिक ग्रंथ हैं तोरहाय, ये आपको बताना है। तो ये हैं यहूदी धर्म के धार्मिक ग्रंथ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 है आपके सामने की, भारतीय रेल का शुभंकर क्या है? तो क्या है ये आपको बताना है। तो भारतीय रेल इसका शुभंकर है भोलू हाथी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 है आपके सामने की, गूगल की स्थापना किस वर्ष किया गया? तो कब हुई थी गूगल की स्थापना? तो गूगल की स्थापना ये हुई थी 1998 में। और मैंने आपसे पूछा था कि गूगल के संस्थापक कौन है, जिसका आंसर मैंने आपको बता भी दिया है। तो आपको इसका राइट आंसर क्या होगा कृपया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इसका 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 32 है आपके सामने की, मुगल बादशाह अकबर का निवास स्थान कहाँ पर स्थित था? तो कहाँ पर था ये आपको बताना है। तो मुगल बादशाह अकबर इनका निवास स्थान था आगरा में। कहाँ? आगरा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 है आपके सामने की, माउंट सेंट हेलेंस सक्रिय ज्वालामुखी किस देश में है? तो कौन से देश में है माउंट सेंट हेलेंस सक्रिय ज्वालामुखी? तो ये है यूएसए यानी अमेरिका देश में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 है आपके सामने की, लाला लाजपत राय किस राज्य के निवासी थे? तो कौन से राज्य के थे लाला लाजपत राय? तो ये थे पंजाब राज्य के निवासी लाला लाजपत राय, जिनकी लाठी डंडे से कूटने से हत्या हो गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 है आपके सामने की, दिल्ली से कितने सदस्य राज्यसभा के लिए निर्वाचित होते हैं? तो कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं दिल्ली से? तो दिल्ली से राज्यसभा के लिए 3 सदस्य निर्वाचित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 है आपके सामने की, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब की गई है? तो कब हुई थी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना? 1969 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न है आज के इस वीडियो का, कि बृहदेश्वर का मंदिर भारत के किस राज्य में है? तो कौन से राज्य में है बृहदेश्वर का मंदिर? तो ये है तंजौर तमिलनाडु राज्य में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगर आज की ये टॉप 77 प्रश्न आपको पसंद आए हो तो वीडियो को एक बार लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।